हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओके इंजीनियरिंग। आज मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में थर्ड सेमेस्टर के बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। जो मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बिल्डिंग ड्राइंग का मैंने क्या बताया था आपको, सिलेबस। उस पिछली वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दे दी थी। इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने सिलेबस में जो जो बताया था उस क्रम से हम सीधे जो चलेगी हमारी प्लेयर्स जो चलेगी बिल्डिंग ड्राइंग की, उसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक लिया था वो लिया था स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन क्या है, ये कैसे बनाते हैं। फाउंडेशन क्या होती है, हमारी जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के पूरे लोड को हम पूरे अपने ग्राउंड में पहुंचा सकें उसके लिए हम फाउंडेशन यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको क्वेश्चन में क्या देगा, या तो 10 सेंटीमीटर की बात करेगा, या आपको 20 सेंटीमीटर की बात करेगा, 30 और 40, ये 4 सेंटीमीटर की हम अपनी बॉर बनाते हैं। वो क्वेश्चन में क्या कहेगा, आपको 10 सेंटीमीटर की स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनानी है। तो आप क्या करेंगे, 10 की बनाएंगे, 20 की कहेगा 20 की बनाएंगे, 30 की कहेगा 30 और 40 कहेगा तो 40 की बनाएंगे। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं 30 का, हम मानते हैं कि, और क्वेश्चन में पेपर में जो एग्जाम होता है उसमें मैक्सिमम जो आता है 30 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए आता है। तो हम बात करेंगे आज 30 सेंटीमीटर पे। तो मैं इसमें क्या बनाऊंगा, 30 सेंटीमीटर ठीक बॉल, ये हमारा बात चलेगी। तो इसमें क्या, हमको एक फॉर्मूला याद रखना है जो काफी सिंपल फॉर्मूला है, वो है हमारा 2t प्लस 30। इसमें क्या है, t की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कहता है 20 सेंटीमीटर की दीवार बनानी है, 10 सेंटीमीटर की बनानी है, ए टू जेड किसी भी कितने भी सेंटीमीटर की बनाएगा। तो जो क्वेश्चन में कहेगा, मैंने एग्जांपल यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का, मुझसे कहा 30 सेंटीमीटर की आपको दीवार की स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनानी है, तो इस 30 को मैं टी की जगह पे रख दूंगा। तो टी की वैल्यू मेरी क्या रख जाएगी यहाँ पे, 30। अगर टी की वैल्यू में 30 रखता हूँ तो इसका सॉल्यूशन करूंगा तो कितना आएगा, 2 × 30 + 30, तो ये आ गया आपका 60 प्लस ये हो गया आपका 30 और यहाँ पे आ गए 90। तो ये 90 जो है ये आया हमारा सेंटीमीटर में, तो मेन जो है हमारे 90 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ये पूरा सॉल्यूशन आपको करना, लेकिन ये पेपर में नहीं दिखाना, आपको किसी भी एक कॉर्नर पे रफ कर लेना और वहां में मिटा देना है। तो इसको मैं आपके कॉर्नर पे शो कर देता हूँ कि 90 सेंटीमीटर हमारा ही निकला था, और आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए 2t + 30। तो ये हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर। इसके बाद में बात आती है कि हम जब अपनी फाउंडेशन बनाएंगे, अब ये 90 सेंटीमीटर है, अब 90 सेंटीमीटर हमारी स्केल पे तो आ जाएगी लेकिन हमें ड्राइंग शीट पे नहीं आने की। तो हम स्केल लेंगे कि हमारी ड्राइंग शीट पे वो आ जाए। तो स्केल कितने का लेते हैं, स्केल चलता है हमारा 1:10 का, 1:10 का हमारा इसमें स्केल चलेगा। स्केल का मतलब है जितनी भी हमारी डायमेंशन है, कितनी भी छोटी से छोटी डायमेंशन होगी उस स्केल का हम डिवाइड करेंगे। जैसे मुझे क्या डायमेंशन दिए यहाँ पे, 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर को मैं क्या करूंगा, पहले 10 से इसको डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो कितना बचा ये 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है 9 सेंटीमीटर की, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूं इसे, ये आपको 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। उसके बाद में आपको सबसे पहले यहां पे डालनी है कंक्रीट। अब कंक्रीट जो डालते हैं वो डालते हैं सबसे पहले 25 से 30 यानी 25 to 30 mm तक। इसमें जो भी आपका मन करे, या तो 25 ले लीजिए या 30 ले लीजिए, इसके बीच का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो मैं यहां पे लेके चलता हूं 25। अगर मैं 25 यहां से उठाता हूं, तो मैंने पहले कहा था मैंने एक स्केल लिया है, मुझे इस स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा, मैं 10 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो मेरा कितना आ गया 2.5 mm। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इसी कंक्रीट पे 2.5 mm की स्केल से लाइन कर दूंगा एक, और इसको मिला दूंगा। इतना मिलाने के बाद में इसमें मैं एक सिंबल शो करूंगा, और ये सिंबल होता है मेरी कंक्रीट का।
आपको भी इस तरह से एक सिंबल दिखाना है, और ये आपका सिंबल किसका हो गया, कॉन्क्रीट का आपका सिंबल है। इतना करने के बाद में ये चीज हम मिटा देते हैं। इसके बाद में मुझे 15 सेंटीमीटर इधर से इधर जाऊंगा, 15 सेंटीमीटर इसको मैं अपना 10 से डिवाइड करूंगा, ये मेरा 15 था, 10 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 mm जाऊंगा मैं इधर, और 1.5 भी जाऊंगा इधर की साइड में। अब देखो यहां पे मेरा कितना था, अगर मैं यहां पे इसको शो करता हूं, तो यहां से लेके और ये यहां तक का टोटल कितना था, मैंने टोटल आपको बताया था निकाल के यहां पे 90 सेंटीमीटर, लेकिन हमने लाइन कितने के लिए 9 सेंटीमीटर, जो हमारी एक्चुअल डायमेंशन होती है उसी को हम अपने शो करते हैं। तो यहां पे हम शो करेंगे 90, और मैं ऐसे शो करूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि कैसे पता पड़ेगी एमएम में है सेंटीमीटर में। इतना करने के बाद में अब मैं 15 सेंटीमीटर इधर गया और 15 इधर गया, अब मेरा कितना बचा, 15 तो ये रहा, 15 इधर से चला गया और 15 गया इधर से, तो 30 गया, 30 में से ये 90 गए, तो बचा हमारा 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे 60 गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर यहां से जाएंगे, जो 15 वाला हमने निशान लगाए थे ये वाले, इससे ऊपर उठेंगे 20 सेंटीमीटर, और मैं पहले इनको आपको शो कर देता हूं कितना कितना गया था। ये गया था मैं 25 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 25 एमएम था ये वाला, एमएम में थी डायमेंशन सारी की सारी, और ये होगी मेरी 20। अब 20 के बाद में क्या करना, मुझे 5 एमएम जाना है इसमें अंदर, 5 सेंटीमीटर स्केल जो एक्चुअल डेप्थ होगी वो होगी मेरी 5 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने क्या कहा था, जो एक्चुअल होती है वो हमको स्केल से चेंज करनी पड़ती है। इसके बाद में 5 सेंटीमीटर आएंगे इसमें अंदर, 5 सेंटीमीटर आने के बाद में यहां से मैं ऊपर गया, फिर 20 सेंटीमीटर, 5 इधर से गया सेंटीमीटर, आपको मैं शो कर देता हूं, 5 सेंटीमीटर ये रहा मेरा और 5 सेंटीमीटर ये रहा, 10 सेंटीमीटर हो गया टोटल। जब 10 सेंटीमीटर जाऊंगा तो यहां मेरा कितना बचेगा, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर बचने के बाद में ये मेरा, मुझे यहां से ग्राउंड लेवल आऊंगा, भी ग्राउंड लेवल तक मुझे 90 सेंटीमीटर जो है, मेरी जो चौड़ाई थी वाइड जो है, ये मुझे 90 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल तक एडजस्ट करनी होगी। तो 25 पे कितना होगा, 45, और यहाँ पे कितना हो गया, इसे भी आप 20 या 25 कर लीजिए, या तो आप 25 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, और उसके बाद 40 आएगा, फिर ग्राउंड लेवल पे हम करेंगे। ये हो गया मेरा 20, यहां से कितना हो गया, 20 20 40 65, ये टोटल हो गया मेरा 65। अब क्या करूंगा, इसे 5 सेंटीमीटर फिर अंदर जाऊंगा, 25 जाऊंगा ऊपर की तरफ, ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। अब बचा मेरा यहाँ पे 40, 5 5 10 हो गया, 10 में से 40, ये हमारा 40 बच गया 50 जाने के बाद, और यहाँ पे हो गया हमारा 25 भी है। तो मैंने कहा था ये 90 जो है हमको यहाँ भी एडजस्ट करनी पड़ेगी खसकों के रूप में, ये होती है मेरी फुटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं खसके। तो 25 और ये हो गया 20, 45 और 45 ये हो गया, तो ये हो गया आपका 90 टोटल। यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को हम थोड़ा सा साइडों में इसको बढ़ा देंगे, और इस तरह से हम इस पे सिंबल दिखा देंगे, ये सिंबल होता है मेरा ग्राउंड का, यानी कि जो भी ये काम चला मेरा ग्राउंड के नीचे, यानी जो धरती होती है हमारी उसके नीचे चल रहा है, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ, फाउंडेशन, फाउंडेशन मेरी ग्राउंड के नीचे ही रहती है। और यहाँ पे अगर आप पूरा ग्राउंड लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए जी और यहाँ लिख दीजिए एल। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहां से जाऊंगा ऊपर की तरफ, ऊपर कितना जाऊंगा, 45 से लेके 60 सेंटीमीटर के बीच, 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच कितना भी जा सकता हूं, और जितना ऊंचा उठूंगा उसे कहूंगा मैं प्लिंथ हाइट, यानी कि मैं चूज करता हूं यहां से 45 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने स्केल रखा और अपना ऊपर जाऊंगा 45 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करूंगा तो 4.5 आ जाएगा, तो 4.5 सेंटीमीटर जाएंगे मैं ऊपर। ये चला गया मैं 4.5 सेंटीमीटर, यहां पे मैं शो कर देता हूं आपको, ये है आपका 45, इतना हो गया। अब इसके बाद में मैंने कहा था ग्राउंड लेवल से लेके और जितना ऊपर अभी गया, ये हाइट होती है प्लिंथ हाइट, और इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल।
इसे कहते हैं प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पे ही हमारे यहाँ डाली जाती है डीपीसी, और डीपीसी मतलब होता है इसका जो फुल फॉर्म है वो है डैम्प प्रूफिंग कोर्स। अब इसमें क्या होता है, इस लाइन को हम मिला देते हैं, क्या करते हैं, हमारी जो डीपीसी होती है डीपीसी डैम्प प्रूफिंग कोर्स ये कितनी होती है 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर, ये होती है आईएस 456 2000 के कोड के अनुसार। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अपना लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसमें मुझे कहा था क्वेश्चन में कि 30 सेंटीमीटर की मुझे दीवार बनानी है, तो 40 तो ये हो गया, 5-5 सेंटीमीटर जाएंगे, यहां से 5 जाऊंगा और यहां से 5 जाऊंगा, ये बन गया मेरा 30। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो मैं अपना प्लान देखूंगा ऊपर से जो पहली वाली कंडीशन दिखेगी वो मुझे दिखेगी 30 सेंटीमीटर, तो मेरी दीवार होगी 30 सेंटीमीटर की, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ये जो लाइन है ये लाइन होती है ब्रेक लाइन, ये कितना भी ऊंची हो सकती है हमको कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे डीपीसी का नियम क्या होता है, बहुत से क्या करते हैं 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी डाल देंगे इसमें नीचे प्लिंथ लेवल के नीचे, ये 2.5 सेंटीमीटर मैंने डाल दी डीपीसी, और बहुत से क्या करते हैं कि डीपीसी को इस जो हमारी दीवार बनी हुई 30 सेंटीमीटर के ही बीच में डालते हैं। इसमें क्या करता है, डीपीसी हमारा काम करती है, इसमें क्या चलता है, कैपिलरी सिस्टम चलता है, जब हमारी सीलन होती है घर में तो उसमें कैपिलरी सिस्टम के माध्यम से ऊपर को सीलन जाती है, और जहां ये डीपीसी आ जाती है वो सीलन को रोक देती है। तो कुछ क्या करते हैं कि हम इस दीवार में डीपीसी डालेंगे तो हमको रोकनी तो दीवार में ही सीलन को, तो यहाँ भी डीपीसी डाल सकते हैं और प्रिंट लेवल पर नीचे भी डीपीसी डाल सकते हैं, आपके दोनों ही तरीके सही है, या तो ऊपर दीवार के अंदर ही डालिए या पूरी आपका जो प्लिंथ लेवल आया हुआ है उस पर डाल सकते हैं। तो मैंने प्लिंथ लेवल के अंदर डीपीसी यहाँ पे आपको शो कर दी, ये भी कॉन्क्रीट की डाली जाती है तो ये भी सिंबल वही बनेगा, ये क्या चीज है मेरी डीपीसी, कितने की डाली है मैंने 2.5 की। अब इसके बाद में क्या होता है कि प्लिंथ लेवल होता क्या है, आपके घर के बाहर जो चबूतरा होता है, जो खरंजा से ये मान चलो मेरा खरंजा ये चबूतरा बना हुआ जितना ऊंचा होता है ये उसी को मैं प्लिंथ लेवल कहता हूं। अब आपने देखा होगा आपका एक हिस्सा इस तरह से निकला हुआ घर के चारों तरफ दिखता है लेकिन ये अंदर नहीं दिखता, ये आ जाता है आपका फर्श में। इसी के बाद जो हम दूसरी वीडियो लाएंगे वो डालेंगे इसके साथ फर्श होगा हमारा, यानी कि एक तो आएगी कि आपको 30 सेंटीमीटर की फाउंडेशन बनानी है और एक आएगी 30 सेंटीमीटर की, यहाँ तो कहेगा इनर फाउंडेशन बनाइए फर्श के साथ में, आउटर वाला फर्श बनाइए, तो आपको दोनों और एक तरफ दोनों तरह का सिखाएंगे। तो हमने डीपीसी डाल दी, अब ये जो है हमारी ब्रिक लगी हुई है तो यहाँ पे हम सिंबल दिखाएंगे अपने ब्रिक का, ये जो सिंबल मैं इस समय बना रहा हूँ ये ब्रिक का सिंबल है, ये शो कर रहा है कि मेरे यहाँ पे ब्रिक लगी हुई है। ये ब्रिक के सिंबल होते हैं मेरे, और ये आपको याद रखने, इस तरह से आपको सिंबल दिखाने देने हैं कि यहाँ पे मेरी ब्रिक लगी हुई है, इसके बाद में डीपीसी आ गई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्प्रिट फुटिंग फाउंडेशन जो मैंने ऊपर शो कर दिया था नीचे लिखना है, और सबसे नीचे मैंने जो बताया था आपको लिख देनी, जो मैंने नहीं लिखा कौन सी सेंटीमीटर है कौन सी एमएम है, तो नीचे लिख देंगे हम और डायमेंशन All dimensions are in centimeter. जितनी भी मेरी डायमेंशन है सारी की सारी सेंटीमीटर में है। और उसके बाद में इसके नीचे लिखते हैं हम स्केल कि हमने स्केल अपना कितना यूज किया है, वो तो मैंने आपको बता दिया था पहले कितने स्केल यूज कर रहा हूं, लेकिन इसके नीचे जो मुझे लिखना है प्रॉपर तरीके में, यहां लिखेंगे स्केल 1:10 का, 1:10 का मैंने स्केल यूज किया है। आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये हमारी थी प्लिंथ लेवल पूरा हो गया, ये 30 सेंटीमीटर की मेरी वॉल बनाई थी, इसमें मैंने 30 सेंटीमीटर की बनाई, आपको क्या करना है 10 सेंटीमीटर 20 और 40, ये तीन फाउंडेशन आपको बनानी है। अगर इनमें कोई भी आपकी क्वेरी होती है कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको प्रॉब्लम लिख सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आई है, इससे अगली जो वीडियो लाएंगे आपको ये रिवाइज कराएंगे दोबारा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो यहाँ से सिस्टम चलेगा हमारा, इसमें फर्श शो करेंगे हम,
साइड में हमारा कितना फर्श होता है, फर्श का पूरा सेक्शन काटेंगे, ये हमारा एक सेक्शन है। हम अपनी नींव का जो फाउंडेशन उसका सेक्शन काटने के बाद देख रहे हैं हमको इसमें क्या क्या चीजें दिखेंगी। और मैंने अगर आपको प्रॉब्लम में पहले बता दिया तो 90 सेंटीमीटर ये होती है, फॉर्मूलेशन निकालने के बाद जो 90 सेंटीमीटर आई है, ये 90 सेंटीमीटर यहां से लेके और जो मेरा ग्राउंड लेवल होता है ये ग्राउंड लेवल तक मुझे एडजस्ट करनी होती है। या तो आप किस 20-20 ले लीजिए, आगे है एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी 90 सेंटीमीटर आपको पूरे फुटिंग में ये आपको एडजस्ट करना होगा। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि 15 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, आपको ये पेपर में शो नहीं करना कि आपने कितना सेंटीमीटर लिया है, ये आपको कुछ भी पेपर में शो नहीं करना है। आपको ओनली ये खसके लेने हैं, फुटिंग लेनी है, अंदर को ये नहीं बताना कितने सेंटीमीटर आपने ली है, ये पेपर में शो नहीं होता है। आपको नीचे वाली डायमेंशन दिखानी कि हमने 90 सेंटीमीटर ली है, ये 25, 20, 20, 25 के हम यहाँ से गए थे। उसके बाद में ब्रेक के सिंबल लग गए, ऊपर आपकी डीपीसी डल गई, यहाँ मैंने पूरा लिख दिया था प्लिंथ हाइट, जो यहाँ से ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक जो होती है आपकी प्लिंथ हाइट। प्लिंथ हाइट आप 45 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 60 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, और इनके बीच की कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। और इसी तरह वैल्यू होती है हमारे डीपीसी में, डीपीसी में मैंने आपको 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक बता दिया। और उसके बाद मैंने एक इसमें बताया कि 25-30 सेंटीमीटर तक हम लेते हैं किसमें, कॉन्क्रीट में। तो ये तीन आपको यहां तो 25 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, बीच की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। इन तीनों में आप जोन सा आपकी मन करे वो आप ले सकते हैं, बाकी जो 90 सेंटीमीटर है 60 ये सारी की सारी आपको अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, इसी के अनुसार लेनी है। कोड कहता है ये अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं, इनमें से चूज कर लीजिए, इनके बीच का भी कोई ले लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।